उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालयों और उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के 2,59,000 छात्र छात्राओं के खाते में DBT के जरिए धनराशि दी जाएगी। पहले छात्रों को टैबलेट देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन आचार संहिता लगने से पहले इस प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चुनाव नजदीक है और जल्द आचार संहिता लगने वाला है, ऐसे में सभी छात्रों को टैबलेट देने की कवायद की जा रही है। इस कार्य में पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाया जा रहा है। वही वजह है कि छात्रों के खाते के सीधे DBT के माध्यम से धनराशि दी जाएगी। छात्र छात्राओं के खातों में DBT के माध्यम से 12,000 रुपए भेजे जाएंगे। प्रदेश सरकार की ओर से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को टैबलेट देने की घोषणा की गई थी। इसकी खरीद के लिए सरकार की ओर से शासन और निदेशालय स्तर पर कुछ अधिकारियों की कमेटी गठित की गई थी। निर्णय लिया गया कि यह कमेटी माध्यमिक और उच्च शिक्षा के छात्र छात्राओं के लिए टैबलेट खरीदेगी। शासन और निदेशालय के स्तर के अधिकारियों की इस कमेटी की ओर से टेंडर निकाले गए थे। कहीं पर अनियमितता पाई जा रही है, जो अब देखिए दो चीजें हैं। एक तो हमारे पास इस समय क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है और हम चाहते हैं छात्रों को टैबलेट मिलना, और ये हमारी सरकार ने घोषणा की थी, मैंने स्वयं इसकी घोषणा की, जिससे पारदर्शी तरीके से जो भी चूँकि बाजार का रेट है, अपने अपने सभी के खातों में हम पैसा डालेंगे, बच्चों का खाता खुलवाएंगे और बच्चों का खाता खुलवा के एक टाइम बाउंड करके सभी बच्चे अपने स्तर से उसको हम स्कूलों में सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षकों के स्तर पर, प्रधानाचार्य के स्तर पर, कि सभी बच्चों को टैबलेट मिल जाए। हमारी पहली प्राथमिकता है टैबलेट मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इस IT के युग में निश्चित रूप से इन सब संसाधनों का सही प्रकार से उनको जो है उसका प्रयोग भी हो और उनको उसकी सहायता भी मिले, सहयोगी भी हो, तो उसके लिए हमारी सरकार ने मिले।